उत्तराखंड देवभूमि पिथौरागढ़ के छोटे से गांव नागपुर से मैं मुकेश कांडपाल एमके पहाड़ी चैनल के इस नए वीडियो पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों करीब 12 बज चुके हैं और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं और आप वीडियो को अंत तक देखें, आपको ज़रूर पहाड़ी लाइफ स्टाइल का ये ब्लॉग जरूर पसंद आएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैं अभी लाखनी अड्डा वाली रोड पर हूँ और मैं आज साइकिल के शोरूम पर पहुँच चुका हूँ। ये देख सकते हैं आप, सूरत की साइकिल ख़राब हो चुकी थी और इसको बनाया जा रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये दोनों बच्चे आए हुए हैं आज, इनकी साइकिल खराब हो गई थी और साइकिल बन रही है अब। मैं जितने भी कमियां थी वो दूर कर दी है मैकेनिक साहब के द्वारा और यहाँ पर इनकी दुकान है और पूरे साइकिलों का सारा जो काम है उनके द्वारा किया जाता है, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें मडगार्ड भी डल चुका है और इसमें सारे जो काम थे वो काम कर लिए गए हैं और इसमें फाइनली 740 रुपये का बिल आ चुका है। और ये देखिए इधर शोरूम है और इधर हम बिल पेड करने के लिए जा रहे हैं। तो इनकी दुकान जाखनी तिराए पे है, स्पेयर पार्ट्स के साथ साथ साइकिल का पूरा कार्य इनके द्वारा किया। ये देख सकते हैं इसकी फाइनली घंटी भी ढीली हो चुकी है और इसको भी कसा जा रहा है और इनके द्वारा। ये देखिए ये पंकज जी भी आए हुए हैं और ये मैकेनिक साहब भी हैं, इनके द्वारा ये कसा जा रहा है और यहाँ पर साइकिल का पूरा काम होता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप साइकिल भी ले सकते हैं नहीं, और पूरे शोरूम है ये, जाखनी में स्थित है ये पिथौरागढ़ के। इसमें सारी दिक्कतें दूर कर ली गई हैं और अब ये जो है साइकिल के मालिक जो हैं खुश हैं। दोस्तों इसको हम कल पिथौरागढ़ ले गए थे, इसमें कुछ सेटिंग जो है ख़राब हो चुकी थी, कल फाइनली बना दिया गया है मैकेनिक के द्वारा। ये देखिए और मडगार्ड भी लग चुके हैं इसके फ्रंट और बैक वाले। इसमें पहाड़ों में ज़बरदस्त धूप खिल रही है, आप देख सकते हैं, और बर्फीली हवाएं चल रही हैं और 20 तारीख के बाद यहाँ पर बारिश और बर्फबारी का यहाँ पर पूरा अनुमान दिया गया है, ये देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं दोस्तों, पॉलिटेक्निक वाले छात्र जो हैं ये भी आ चुके हैं, करीब 1:30 बजने वाले हैं, ये साइकिल से ही कॉलेज जाते हैं, देख सकते हैं आप, इस तरफ का कॉलेज है। देख सकते हैं दोस्तों, ये गांव के जो पशु होते हैं ये जो होते हैं गाड़ियों से काफ़ी दूर भागते हैं और ये देखिए आज यहाँ पर साइकिल खड़ी है, लेकिन ये देख सकते हैं दोस्तों ये काफ़ी डर रही है, ये देखिए ये भाग रही है साइकिल के थोड़ा इधर उधर आने में। ये देखिए दोस्तों, इनके द्वारा साइकिल का आनंद लिया जा रहा है, काफ़ी आनंद ले रहे हैं, काफ़ी खुश हैं आज। कैसा लग रहा है आज साइकिल का? आज बहुत अच्छा लगा है, हाँ इसकी ब्रेक वायर चेंज करती है और अच्छा। जो चैन प्रॉब्लम थी वो भी सही करती है और ब्रेक और गियर कब और कहाँ पे लगाना है आज मैं रिपेयरिंग सेंटर से सीख के आया हूँ, तो 15 मिनट का जो रास्ता तय हो रहा था वो अब 10 मिनट में कंप्लीट हो जा रहा है, तो अब पैडल भी हल्के हो रहे हैं क्योंकि मेरे को पहले पता नहीं था कि गियर कब और कहाँ लगानी है, अब सब कुछ पता चल गया है। अब 15 मिनट का रास्ता 10 मिनट में तय कर ले रहे हो? हाँ बहुत स्मूथ चल रही है, अब एक बार ट्रायल दिखाता हूँ आपको और दोबारा। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी आनंद ले रहे हैं ये साइकिल राइड का। और दोस्तों आप देख सकते हैं पहाड़ों में इस समय काफ़ी काम भी होता है, ये देखिए गांव की महिलाओं के द्वारा पशुओं की चारे की ऐसी व्यवस्था की जाती है, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी काम रहता है इस समय। और ये देखिए आसमान काफ़ी साफ है, ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर करण के द्वारा साइकिल सीखी जा रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इनका बैलेंस बन चुका है। करण कैसा लगा साइकिल चला के? साइकिल चला के बहुत अच्छा लगा, आज मैंने पहली बार साइकिल चलाई और 60-70% बैलेंस बन गया मेरा और अब मेरे पेपर होने के बाद मैं सुबह सुबह राइड के लिए जाऊँगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, मैं ऐसी ही स्पोर्ट्स साइकिल लूंगा और रोड में चलाना बाकी है साइकिल को। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं मैं घर पहुंच चुका हूं और करीब शाम के 6 बज चुके हैं, काफ़ी अंधेरा हो चुका है और इस समय काफ़ी ठंड पड़ रही है पहाड़ों में, आप देख सकते हैं। ये देखिए लगातार पाला गिरने की वजह से रात में टेम्परेचर डाउन हो जाता है, इनके द्वारा नल के ऊपर में गत्ता बिछाया जा रहा है, पानी नहीं आ पा रहा है सुबह, ये देख सकते हैं नल जम जा रहे हैं यहाँ पर, तो इनके द्वारा फाइनली गत्ता डाला जा रहा है। और ये देखिए ये कहाँ लगाना है, और इनके द्वारा यहाँ जो है साइकिल डाल दी गई है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए इनके द्वारा साइकिल यहाँ रख दी गई है और इनके द्वारा
नल के ऊपर, यहाँ पर ना, हाँ नल के ऊपर गत्ता बिछाया जा रहा है क्योंकि रात में काफ़ी पाला गिरने की वजह से भी नल जम जा रहे हैं। पानी करीब 11 बजे पहुँच रहा है और ये देखिए काफ़ी ठंडा हो रहा है अभी। क्या ही चैन पड़े तो मन, ये देखिए शानदार अगिठी चली हुई है यहाँ पर। मेरे को आजकल हो रही खांसी, खांसी ऋषि खांसी हो रही, पता नहीं क्या हो रखा है, कहीं सांस की बीमारी नहीं होगी? नहीं तो सांस की बीमारी में तो खांसी थोड़ी होती है, सांस फूलने वाली ढेरी खांसी भी हो रही है, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए दोस्तों सुबह के 8 बज चुके हैं और पहाड़ों में एक बार बादल फिर लौट चुके हैं और ये देखिए आज काफी ठंडा है मौसम। पंगत ले ली, प्याशिम ले ली, कौन सी ली? वीआई वाली, वीआई की ले ली, रिचार्ज फ्री एक महीने की, कागज तो दिया। लाइफ टाइम रहेगी या वैसे रहेगी? टाइम रहेगी क्या? एक महीने बाद फेंक दोगे? नहीं ना, अब तो इसी में कराना है रिचार्ज। अच्छा ले लेता एक सिम, मेरे अभी 18 साल पूरे हुए। हाँ ये सही, बहुत अच्छी बात कही आप। आशा करता हूँ दोस्तों पहाड़ों में अभी जाड़ों के मौसम में ऐसे ही लाइफ स्टाइल चल रही है और पहाड़ी लाइफस्टाइल के ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए आप एमके पहाड़ी चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।